वर्ल्ड कप का दूसरा इम्तिहान, शाहीनों की बॉलिंग चली ना फील्डिंग। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन का बड़ा हदफ दे दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 344 रन बनाए। मैच के दौरान ग्रीन शर्ट्स की खराब फील्डिंग, इमामुल हक का मेंडिस का कैच ना पकड़ना महंगा पड़ गया। कुशाल मेंडिस ने धुआंधार सेंचुरी जड़ दी। सदेरा की भी जारहाना सेंचुरी, हसन अली की 4, हारिस रऊफ की 2, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और नवाज की 1-1 विकेट। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहबान अपना काम नहीं करते? अब जब कानून बन गया तो हम किसी को जवाब दे नहीं है। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? जब कोई करता है तो हमें एतराज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज़ुल अहसन ने कहा कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। क्या पार्लियामेंट कह सकती है कि कमेटी में 3 नहीं 5 जजेस हों? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कभी कोई ऐसी टीम देखी जिसके 3 कप्तान हों और वो जीती भी हो? पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, समाअत के दौरान जस्टिस अतरमिन अल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अपील का हक कानून में भी है और शरीयत में भी। जिसको अपील का हक नहीं मिलेगा उसका हक तो मजरूह होगा। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अपील का हक उस वक्त है जब एक जज बेंच की तश्कील का फैसला करता है। जब 3 जजेस की कमेटी फैसला करेगी तो फिर अपील का इन्हिसार उस पर होगा। वकील फैसल सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट जजेस के फैसलों का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अजरह तफन्नन आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। आप जजेस की बिल्कुल मुख्तलिफ आरा को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में नोकझोंक। जस्टिस एजाज़ुल अहसन के सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि आप हर सवाल का जवाब ना दें, अपनी तवज्जो दलाइल पर रखें। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि वकील को टोका जा रहा है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समातों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। कई मुकदमात अल्तवा में हैं। वकील को इसी तरह दलाइल देने चाहिए जिस तरह वो चाहता है। केस की समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी। पचहत्तर साल से इसराइल ने सरजमीन अरब फलस्तीन पर कब्जा और तसल्लुत जमाया है। मुसलसल फलस्तीनियों का कत्ल करता चला आया है। अमरीका और मगरबी कुवतें हमेशा उनकी पुश्त पर रही है और एक दफा भी उन्होंने इंसानी हकूक के हवाले से इसराइल के रवैये की न मजम्मत की है, न उसे मजालिम से रोकने के लिए कहा है। फिर किस मुँह से ये लोग दुनिया में इंसानी हकूक की बात करते हैं? मगरबी दुनिया और अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही करते रहे, तमाम तर मुजालिम के बावजूद पहली बार गजा की तरफ से पेशकदमी हुई। उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन की पुश्त पर खड़ा होना चाहिए। OIC का इजलास बुलाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात करा ले, हम तैयार हैं। हर पार्टी के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। फलस्तीन वाले मामले में पाकिस्तान को मुबहिम नहीं होना चाहिए। अफगान बाशिंदों के साथ रवैया हमारी रिवायत के बरक्स है। सदर मुमलिकत से सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी की एक और मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातों और क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। मईशत समेत तमाम मुमकिन महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए सियासी इदारा जाति और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद जरूरत है। तल्खियां खत्म होनी चाहिए, तआवुन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी से कबल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी जारी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिका बल्दियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के इजलास पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में होंगे। मरियम नवाज हर इजलास की सदारत करेंगे। जराए के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा। JUI और नून लीग के दरमियान इंतखाबात की तारीख पर इख्तलाफात। नून लीग का मौलाना फजलुर रहमान की ताखीर से इंतखाबात की तजवीज़ की मुखालफत। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग जनवरी में इंतखाबात के मुजवजा शेड्यूल की हामी है। किसी भी किस्म की ताखीर की मुखालफत की जाएगी। क़यादत की तमाम रहनुमाओं को हर फोरम पर इलेक्शन में ताखीर की तजवीज़ की मुखालफत की हिदायत। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान जलसे में इंतखाबात में ताखीर की तजवीज़ की मुखालफत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी बलूचिस्तान का इजलास। वफाकी और सूबाई हुकाम इजलास में शरीक। गैर मुल्की तारकीन की वापसी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर गौर। बलूचिस्तान में अमनो अमान और तरक्याती मनसूबों का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जो गैर मुल्की रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ रहेंगे, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को डिपोर्ट किया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो गैर कानूनी तौर पर आए वो जराइम में मुलव्वस हैं। कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। जिस SHO के इलाके में बार बार कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन्हें हटाएंगे। कच्चे में बहुत वारदातें हो गई, अब वहाँ लोग सरेंडर कर रहे हैं। किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। हम स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस लोगों को पकड़ना शुरू करेंगे। कराची में 4 से 5 दिन में बहुत तब्दीली आएगी। साइफर केस बिल्कुल झूठा है। साइफर को मंजर आम पर लाना वज़ीर आज़म का हक है। हलफ के तहत मालूमात खुफिया रखनी होती हैं, लेकिन शेयर करना मकसूद हो तो वज़ीर आज़म उसकी तशहीर भी कर सकता है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा कांप रहा है। कानून कहता है कि नवाज शरीफ मकरूर मुजरिम है, उन्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहरूपिए बैठे हैं। निगरानों के पास कोई अख्तियार नहीं। 90 दिन से ज्यादा की ताखिर से इंतखाबात नहीं हो सकते। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है कि इंतखाबात करवाए। चेयरमैन PTI को अहदे से हटाने से मुतालिक समात। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अगर आज हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। वकील ने बताया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन अहदे पर वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के काबिले समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। PTI के ताहाल बैरूनी फंडिंग लेने पर समात। दरख्वास्त गुजार ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मोहलत मांग ली। समात नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इंतखाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने की दरख्वास्त पर समात। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करवा दिया गया। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान की टेलीफोन पर बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं है। जज अबुल हसनात जुलकरनैन का 18 अक्टूबर तक जेल SOPs जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में सहूलियात और मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंट्राकोर्ट अपील पर एतराजात दूर कर दिए। कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुशबीबी का भी हाईकोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी और तहफ्फुज़ की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। मौकफ अख्तियार किया कि 5 अक्टूबर को समाअत हुई। अदालत ने 2 हफ्ते में मुकर्रर करने का कहा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर की। इस्तदा है कि दरख्वास्त पर जल्द समाअत की जाए।
रहनुमाओं की वजीर आला सिंध से मुलाकात, तहफ्फुज़ात और शिकवों से आगाह किया। जी डी ए को निगरान हुकूमत से मुतालिक तहफ्फुज़ात पर कोई ठोस यकीन दहानी ना मिल सकी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जी डी ए ने शिकवा किया कि नैब केसेस वाले और पुराने मुबैना सिस्टम वाले ऑफिसर अभी तक तायुनात हैं। लगता है सिंध में पुराना निज़ाम ही चल रहा है। अफसरान के बैनुल्सूबाई तबादले होने चाहिए। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तब्दील करने का भी मुतालबा। जी डी ए की तजावीज पर निगरान वजीर आला खामोश रहे। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए कोरोना की तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज़। बुध को मुकम्मल शटरडाउन का इम्कान। मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज बंद रहेंगी। सरकारी दफातर में बुध के रोज़ आधे मुलाजमीन काम करेंगे। हफ्ता और इतवार को कोरोना लॉकडाउन की तरह लाहौर में नाके लगाने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2000 रुपये जुर्माना होगा। ज़राए के मुताबिक स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह। सिंध के निगरान वजीर आला मकबूल बाकर का एम डी कैप्टन नतज मनसूख और दोबारा टेस्ट लेने का हुक्म। एफ आई ए को इंक्वायरी की हिदायत। तर्जुमान वजीर आला सिंध का कहना है कि एम डी कैप टेस्ट दोबारा करवाने की तारीख का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहने की पेशगोई। शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना है। रवा साल बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। फ्रंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा।